डॉक्टर ने आंखों देखी। कटिहार में एक बार फिर सरेआम अपराधियों ने मचाया तांडव। विद्यार्थी परिषद के पूर्व सीमांचल प्रमुख सौरव यादव को मारी गोली। कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है सौरव का इलाज। सहायक थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुरी मोहल्ले के सामने हुई इस घटना के बारे में घायल सौरव ने कहा कि वह जीआरपी चौक से जब अपने घर लौट रहा था तो जगन्नाथपुरी के रहने वाले अनुज ने अपने घर के सामने किसी बहाने से उसे रोक दिया और फिर अपने पिता और चाचा की मौजूदगी में ही उस पर गोली चला दी। फिलहाल घायल सौरव का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं घटना के बाद सौरव के परिजन इस पूरे मामले पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कल शाम लगभग वही 7:30-8 बजे जीआरपी चौक से हम अपने घर आ रहे थे। घर आने के क्रम में जगन्नाथ मंदिर के पास एक जयसवाल स्टोर है, उसी के नज़दीक अनुज नाम का एक लड़का है, आ रहे थे तो बोला भैया एक मिनट रुकिएगा। हम रुके तो बोला भैया हम पान खाए आते हैं खुला करके, तो हम रुक गए। हम गाड़ी स्टैंड के उतर खड़ा हो गया। हमको लगा एडमिशन चल रहा है, किसी का एडमिशन तो एडमिशन का कोई बात होगा क्योंकि हम छात्र राजनीति करते हैं। घर गया, इतना ही में उसके चाचा उसके पापा मेरे बगल में आके खड़े हो गए। तो हमको लगा वही कुछ बात होगा, इसी टाइप से बात होगी। इतना ही में चाचा और पापा उसके हमको पकड़े, जैसे पकड़े उस सामने से आके गोली चला दिया। फिर हम गिरे वहाँ पे। फिर क्या वक्त था, क्या समय था उसमें? 7:30-8 के बीच में। क्या ये इसमें कोई आपसी रंजिश वाली बात हुई? नहीं, कोई रंजिश नहीं। अगर ऐसा कोई बात होता तब तो हम फिर सचेत होते ना, कोई बात नहीं था ऐसा। क्या किन्हीं के नाम पे जिस पे FIR हुआ है, क्या वो आपके जान पहचान के दोस्त या समाज या मोहल्ले के हैं? समाज के ही है, मेरा भी घर बर्मा से यादव टोला हुआ कुछ ही दूर पे उसका घर है। तो जान क्या वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं? हाँ, आए दिन तो हम देखते हैं, वो टैबलेट खाता है वो लोग, इसी नए लोग का। आपका परिचय दें। मेरा नाम श्री सौरव यादव हुआ।